हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के अंदर आने वाले कुछ मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चंस को, जो कि पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो एसएससी, रेलवे या बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी देखिए, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वीडियोस लगातार बेसिस पर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन को आज डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, सो जैसे मैं आपको बता रहा था, काफ़ी तरीके के मिसलेनियस के क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक के इन द रीजनिंग सेक्शन, फ्रॉम विच 1 to 3 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड इन द एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशन। तो अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 1 से 3 क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और आपको आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस अगर 1 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो आज हम इन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक और वीडियो और है जो मैं मिसलेनियस टॉपिक्स पर ही आपके साथ लेके आऊंगा, वहाँ पे और कुछ टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो भी आप इसे पूरा देखें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें कि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन नंबर। तो जो जो आपको इवन नंबर या डिजिट्स दिखाई दे रहा है, अगर आप उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ऑड नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो जो अब ओरिजिनल नंबर हमें गिवन है ये वाला 5827936। आपको जहाँ जहाँ पे इवन डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं उसमें से आप क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और ओड डिजिट्स में से 2। तो आपको बताना है देन हाउ मेनी डिजिट्स विल अपियर ट्वाइस इन द न्यू नंबर दस फॉर्म। तो ऐसे कितने डिजिट्स हैं जो 2 बार अक्कर करेंगे, यानी रिपीट करेंगे। तो देखिए एक काम करते हैं, तो इसे देखिए आप इस तरीके के क्वेश्चंस को ओरली ही सॉल्व करने की कोशिश करें। अब इसे देखिए, 5 जो है हमारा क्या है, एक ओड नंबर है, ओड डिजिट है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3। 8 में से क्या आ जाएगा, आप 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 7, फिर 3 7 1, ठीक है, 3 7 1, फिर 5, फिर अगेन 7, फिर हो जाएगा हमारा 3 में से आप माइनस करेंगे 2 तो 1, और 6 में से माइनस क्या करेंगे, क्योंकि 6 एक इवन है तो आप 6 में से क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 5। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमसे पूछा कि देन हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर ट्वाइस इन द न्यू नंबर 10 फॉर्म। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 बार अकर करेंगे। तो अगर आप चेक करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर, एक बार आप इसे लिख के देखें, क्योंकि मैं तो अभी आपको ओरली बता रहा हूँ, तो आप देखेंगे 1 5 और 7, 3 ऐसे डिजिट्स हैं, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जो आपके 2 बार अकर करेंगे इस नए नंबर के अंदर, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो इसे एक बार लिख के देखें, ठीक है, ओरली भी आप इसे कर सकते हैं, जिसमें आपको खुद ही चेक करके बताया, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में पहली बार कर रहे हैं तो इसे लिख के देख लें, ठीक है। इवन डिजिट्स में से 1 माइनस कर ले और ओड में से 2, ठीक है। अब आगे, हाउ मेनी लेटर विल रिमेन एट द सेम पोजिशन इन द वर्ड सरफेस वेन दे आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप इन सभी जो आपको सरफेस वर्ड के अंदर अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें लेफ्ट से राइट, यानी अभी तो क्या है, SURFACE, अब हम इसे अगर हम अल्फाबेटिकल वाइज लिखना शुरू करें तो सबसे पहले ए आएगा, फिर सी, फिर ई, फिर आ जाएगा आर, एस और यू। तो आपको बताने कितने ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो सेम पोजीशन पे रहेंगे। तो आप देखेंगे, देखिए ए सबसे आगे आ जाएगा, उसके बाद सी, फिर ई, तो एफ ही एक ऐसा लेटर है जिसकी पोजीशन हमारी सेम रहेगी, यानी जो अभी सरफेस के अंदर एफ की जहाँ पोजीशन, और जब हम इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एफ ही एक ऐसा लेटर है जिसकी पोजीशन अभी जो है और जब हम इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सेम रहेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट ए ऑप्शन, यानी 1। तो सिर्फ एक ही ऐसा हमारा अल्फाबेट है जिसकी पोजीशन सेम है। ऐसे तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 persons के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, P Q R S N T। फिर हमें कहा गया कि क्यू जो है वो आर से टोलर है, क्यू जो है वो आर से टोलर है, क्यू इज टोलर देन आर एंड एस, आर और एस दोनों से ही क्यू बड़ा है बट टी से छोटा है, यानी सबसे ऊपर आ जाएगा टी, फिर क्यू, और क्यू के नीचे आर और एस, और फिर हमें कहा गया कि एस इज स्मॉलर देन टी। तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो हमें पता ही है कि एस जो है वो टी से स्मॉलर है, ठीक है, और हु इज नॉट द टोलेस्ट। लेकिन टी के बारे में हमें एक चीज कही गई है कि टी जो है वो टोलेस्ट नहीं है। तो ओबियस सी बात है, देखिए हमें 4 लोगों के बारे में तो इन्फॉर्मेशन पता चल गई, क्यू आर एस ओ टी, ठीक है। अब एक ही, क्योंकि ओबियस सी अगर हमें ये पता चल गया, देन हु इज द टोलेस्ट पर्सन अमंग ऑल, यानी क्यू आर एस ओ टी जब हमारे कवर हो चुके हैं तो ओबियस सी बात है टोलेस्ट पर्सन जो बचा है वो कौन होगा, पी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, यानी पी। सो पी जो है वो टोलेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ओबियस सी बात है हमें क्लियरली गिवन है कि एस इज स्मॉलर देन टी, हु इज नॉट द टोलेस्ट। अगर टी भी टोलेस्ट नहीं है, ठीक है ना,
और क्यू जो है वो टी से छोटा है। अब देखिए ऑर्डर अभी तक क्या आ रहा था, टी उसके बाद क्यू और फिर नीचे आर और एस, और क्योंकि डी भी सबसे टॉलेस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है एक ही पर्सन बचा है वो कौन है, पी, तो पी जो है वो टॉलेस्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। तो इस तरीके के देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, SSC, रेलवे, बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर। इसके अलावा भी मैं आपके साथ अगली वीडियो में और टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो प्रैक्टिस करते रहें, प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करें, हमारी वेबसाइट जाएं takshilalearning.com, वहाँ पे भी आपको काफ़ी तरीके के क्वेश्चन टाइप्स देखने को मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस लगातार करते रहें क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।